तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताना सैमसंग गैलेक्सी की एक कमाल की अमेजिंग ट्रिक बताने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हैं अमेजिंग टिप बताने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, मैं तब वीडियोस डालता हूँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं तो उनको पता होगा कि मैं जब भी स्क्रीनशॉट लेता हूँ तो मैं यहाँ पर एक हल्का स्वाइप करता हूँ और ये स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। आपको पता होगा तो मैं सब बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा था पहले भी, और अभी भी कोई कोई पूछ लेता है कि कैसे मैं ये स्क्रीनशॉट लेता हूँ। तो आगे आपको बताने वाला हूँ इससे रिलेटेड कि कैसे आप स्वैप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और भी इसके अंदर क्या क्या आप कर सकते हैं, आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी में ऐसे स्वैप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कहीं भी जाएं और सिंपल से स्वैप करें और स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने मोबाइल की गैलेक्सी स्टोर में जाना है। अगर आपके पास गुडलक का मॉड्यूल इंस्टॉल्ड है, गुडलक की ऐप इंस्टॉल्ड है, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। अगर नहीं है आपके पास, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर सर्च मार लेना है गैलेक्सी स्टोर में जाके वन हैंड ऑपरेशन ऐप प्लस, आपको ये सर्च मार लेना है। ये आपको डायरेक्ट भी मिल जाएगी, कुछ कुछ डिवाइसेस में सैमसंग गैलेक्सी में गुडलक ऐप सपोर्ट नहीं करती, तो उसमें आप डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर अपने हिसाब से, जैसे कि लेफ्ट और राइट हैंड पे आप अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं कि किस हैंड पे आपको ये मिले, तो आपको जैसे कि लेफ्ट हैंड पे करना है या राइट हैंड पे करना है तो राइट हैंड पे चले गए। यहाँ पर आपको किस डायरेक्शन में, जैसे एंगल लिखे हुए हैं, सिंपल यहाँ पर बैक करेंगे उसमें करना है, ऊपर की तरफ बैक करेंगे तो करना है, या नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो करना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ सेट आउट कर रखा है, आपको दिख रहा होगा। आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे बैक, होम की, रिसेंट की, मेन्यू की, सर्च इन ऐप्स, वॉल्यूम अप की, वॉल्यूम डाउन की, टगल मोड, प्ले पॉज ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक, नेक्स्ट ट्रैक, ऐप स्क्रीन, प्रीवियस ऐप, फॉरवर्ड, ओपन नोटिफिकेशन पैनल, ओपन क्विक पैनल, स्क्रीन ऑफ, क्लोज ऐप, टॉर्च, स्प्लिट स्क्रीन, क्विक पॉपअप व्यू, असिस्टेंट ऐप, फाइंडर सर्च, स्क्रीन शॉट, स्मार्ट सेलेक्टर, स्मार्ट सेलेक्टर, ये आपको इतने सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। आप यहाँ पर इन सबका यूज कर सकते हैं और सेट आउट कर सकते हैं। साथ में अलग से मूव स्क्रीन, विजार्ड्स पॉपअप, टास्क स्विचर, क्विक टूल्स, वर्चुअल टच पैड, फ्लोटिंग कीबोर्ड, हाइड हैंडल। इसके अलावा अगर आपको कोई एप्लीकेशन को भी ओपन करना है तो भी आप यहाँ पर सेट आउट कर सकते हैं। अब आपने सेट कर लिया, जैसा कि यहाँ पर मैंने सेट कर रखा है इधर, अब मैं यहाँ से स्वैप करूँगा तो ये स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लेगा। आपको सिंपल ऊपर की तरफ स्वैप करना है और वो स्क्रीनशॉट ले लिया जैसा कि, और अगर मैं नीचे की तरफ करूँगा तो ये स्प्लिट स्क्रीन व्यू में खुल जाएगा। आपको सिंपल ये नीचे की तरफ स्वैप करना है तो वो स्प्लिट स्क्रीन व्यू में खुल गया है, और ऐसे ही अगर मैं इधर करूँगा तो ये बैक हो गया है। इस तरीके से आप इसमें लगा सकते हैं दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, जैसे मैं आपको लगा, जैसे कि मैंने राइट हैंड पे अगर मैं ऊपर स्वैप करूँगा तो मैंने यहाँ पर विजार्ड्स वाला ऑप्शन लगा कर रखा है, वो आप लगा सकते हैं। नीचे की स्वैप करूँगा तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स लगा रखे हैं, वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर कोई ऐप को ओपन करना है तो आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और जिस एप्लीकेशन को ओपन करना है, लाइक मैंने यहाँ पर कैमरा कर दिया, और जैसे ही मैं ऊपर की स्वैप करूँगा तो यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बट मुझे सबसे अच्छा फीचर इसका यही लगता है, स्क्रीनशॉट हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत जगह काम आता है। तो कहीं भी हो आप, सिंपली आपको स्वैप करना है और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके से वाला फीचर काम करता है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू, ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो उसमें उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दिया करो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे मिलती रहे। तो थैंक यू।